अगर आप एक एक्शन एडवेंचर मॉन्स्टर टाइप की मूवीज देखना पसंद करते हो, और नेटफ्लिक्स पर कुछ दिन पहले एक बहुत अच्छी मूवी रिलीज हुई डामशेल, ये अगर आपने अभी तक नहीं देखी है तो आपने एक्शन एडवेंचर मॉन्स्टर मूवी के नाम पे अभी तक कुछ भी नहीं देखा है। इस वीडियो में मैं आपको डामशेल मूवी की सब डिटेल्स बताऊंगा, तो वीडियो में एंड तक बने रहे। शुरुआत करते हैं मूवी की स्टोरी से। मूवी की स्टोरी जो है वो कुछ ऐसी बताई गई है कि एक बहुत ही खूबसूरत लड़की जो कि एक बहुत ही बड़े घर का राजा, महलों में रहने वाला, उससे शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। बट वो लड़की और उसकी फैमिली एक चीज से अनजान है कि ये एक शादी नहीं बल्कि एक जाल है, एक ट्रैप। और कैसा ट्रैप वो भी मैं आपको आगे जाके बताता हूँ। लड़की की शादी जो है वो राजकुमार से अच्छे से हो तो जाती है, बट शादी होने के बाद राजकुमार अपनी राजकुमारी को एक गुफा में ले जाते हैं। उस गुफा में जाने के बाद लड़की पूछती है कि हम यहाँ पे क्यों आए हैं, तो राजकुमार उससे कहते हैं अपनी पत्नी से कि हमारी कुछ रस्में होती है परिवार की जो हमें गुफा में आके करनी होती है। गुफा में पहुंचने के बाद राजकुमार अपने हाथ पर एक कट करते हैं, चाकू से छोटा सा कट, और अपनी पत्नी के भी हाथ पर कट करते हैं। दोनों एक दूसरे के हाथ से हाथ मिलाते, मतलब राजकुमार का भी खून अब राजकुमारी के खून से जुड़ चुका है, अब राजकुमारी भी शाही खानदान की हो चुकी है। बट ये रस्म करने के बाद राजकुमार अपनी राजकुमारी को खाई में फेंक देते हैं धक्का दे के। ऐसा क्यों किया राजकुमार ने वो भी मैं आपको बताता हूँ आगे जाके। खाई में फेंकने के बाद उस लड़की को होश आता है ना, तब तो वो भी सोचती है कि आखिर ऐसा क्यों किया राजकुमार ने, मतलब दोनों परिवार की सहमति से शादी हुई थी, फिर भी राजकुमार ने मुझे क्यों धोखा दिया, खाई में क्यों फेंक दिया। बट वो लड़की एक चीज से अनजान है, उस खाई में छुपा हुआ है एक बहुत ही खतरनाक आग उगलने वाला ड्रैगन। वो इस लड़की के सामने आता है ना, तो ये लड़की बहुत ही ज्यादा डर जाती है, वो ड्रैगन से बच बच के गुफा में छुपती रहती है और गुफा से बाहर निकलने का रास्ता भी ढूंढती रहती है। ये जैसे जैसे गुफा से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है ये लड़की, इसको वहां पे और भी लड़कियों के गहने मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, कुछ लड़कियों की बॉडीज मिलती है, कुछ लड़कियों के कटे हुए पार्ट्स मिलते हैं बॉडीज के। तो ये देखकर और भी ज्यादा डर जाती है वो लड़की कि राजकुमार ने और भी लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा। बट जैसे जैसे ये लड़की जो है बाहर निकलने का रास्ता ढूंढती है गुफा से, इसको दीवारों पे ना बहुत सारी लड़कियों के नाम मिल जाते हैं जो कि उस गुफा में कैद थी और मर चुकी थी। बट एक बहुत ही मेन चीज मिलती है इसको उस गुफा में, उस गुफा की दीवार पर एक मैप बना हुआ है, मतलब इस गुफा से कैसे बाहर निकले वो रास्ता दीवारों पे बना हुआ है। तो ये देखकर वो लड़की बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, मतलब कि पहले मुझसे पहले कोई एक लड़की इस गुफा में कैद थी जो कि इस गुफा से सही सलामत बाहर निकली है और आजाद हुई है। तो वो मैप को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लेती है, वो मैप को याद कर लेती है, और उसी मैप के सहारे से ये लड़की जो है गुफा से सही सलामत निकल तो जाती है। बट वो ड्रैगन अभी भी मरा नहीं है, वो ड्रैगन अभी भी जिंदा है, उसको मारना पड़ेगा अगर सही से रहना है तो, जिंदा रहना है तो। लड़की गुफा से सही से निकल तो गई, बट अब एक और मेन ट्विस्ट आता है। राजकुमार और उसकी फैमिली ने जो लड़की गुफा में कैद हुई थी उसकी बहन को खाई में फेंक दिया है। आखिर राजकुमार और उसकी फैमिली ऐसा क्यों कर रही है, लड़कियों को गुफा में क्यों फेंक रहे हैं बार बार, मतलब पहले इसकी बड़ी बहन को गुफा में फेंक दिया, अब उसकी छोटी बहन को गुफा में फेंक दिया, आखिर क्या राज है राजकुमार और उसकी फैमिली का। ये जानने के लिए तो आपको है ना मूवी देखनी होगी, क्योंकि ये ही मूवी का मेन सस्पेंस है। अगर ये मैंने रिवील कर दिया तो आपको मूवी देखने में जरा भी मजा नहीं आएगा। और वो ड्रैगन जो कि लड़कियों को खा रहा है वो, उसका भी क्या राज है वो भी आपको मूवी देखते समय मालूम पड़ जाएगा। आखिर ये दोनों बहनें जो है गुफा में कैद हुई हैं, तो ये जिंदा बच भी पाएंगी या नहीं, ये जानने के लिए तो आपको मूवी देखनी होगी, या फिर ये दोनों बहनें उसी तरीके से मारी जाएंगी जिस तरीके से बाकी लड़कियां मर चुकी थी। मूवी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी है देखने में, एक्शन एडवेंचर बहुत ही अच्छा दिखाया गया है मूवी में। और एक चीज और बताना चाहूंगा आपको, मूवी जो है वो हिंदी डबिंग में अवेलेबल है, और भी भाषाओं में डब करिए जैसे कि तमिल तेलुगु में, तो आप जिस भाषा में भी कंफर्टेबल हो देख सकते हो।
और एक बात और बताना चाहूंगा कि ये मूवी आप परिवार को भी दिखा सकते हो, क्योंकि इस मूवी में ना ही कोई वल्गर लैंग्वेज यूज हुई है, ना ही किसी भी प्रकार के अडल्ट सीन्स है। तो आप परिवार को दिखाना चाहते हो तो देख सकते हो, बट छोटे बच्चे जो होते हैं उनको दिखाना मत, क्योंकि इस मूवी में ना ड्रैगन अटैक के थोड़े से सीन्स दिखाए गए हैं, ड्रैगन अटैक के, मॉन्स्टर अटैक के थोड़े से सीन्स बताए गए हैं। तो बच्चे जो हैं वो सीन्स को देख के डर सकते हैं, तो माँ बाप को दिखा सकते हो बट छोटे बच्चों को मत दिखाना। मूवी जो है वो काफी ज्यादा अच्छी लगी मुझे देखने में, एंटरटेनिंग एक्शन एडवेंचर काफी ज्यादा अच्छे से दिखाया गया है। अगर आपने अभी तक नेटफ्लिक्स पर रिलीज हुई दामशेल मूवी अभी तक नहीं देखी है तो जल्दी से जाके देख लो, बहुत अच्छी मूवी है। देखकर कमेंट करके जरूर बताना आपको दामशेल मूवी कैसी लगी देखने में। तब तक के लिए ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मेरे चैनल पे ना अच्छी और पॉपुलर मूवीज और वेब सीरीज के रिव्यू वीडियो मैं ना अपलोड करता रहता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई मूवी या फिर वेब सीरीज के रिव्यू के साथ। सब्सक्राइब कर दो मेरे चैनल को।